सुप्रभात, मैं ईशा सुभाष सदन की विद्यार्थी हूँ। मैं आज आपके समक्ष हरियाणवी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हरियाणवी बोली वर्तमान में पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख बोलियों में से एक बोली है। हरियाणा शब्द में वी प्रत्यय लगने से हरियाणवी की उत्पत्ति हुई है। समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने हरियाणवी को विविध नामों से अभिहित किया है, जिनमें बांगरू, दक्षिणी हिंदी, जाटू, खड़ी बोली आदि प्रमुख हैं। दक्षिण हरियाणा में बोली जाने वाली बोली को ठेठ हरियाणवी कहा जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हरियाणवी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए। आप सब मुझसे इस बात पर तो सहमत होंगे कि आज हरियाणवी बोली का पूरे देश में बोलबाला है। देश का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे खेल हो, फिल्म हो, संगीत हो या अंतरिक्ष क्षेत्र क्यों न हो, हरियाणा ने हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। किसी भी घर की विवाह शादी में तब तक मजा नहीं आता जब तक उसमें हरियाणवी गीत संगीत ना बजे, और निश्चित रूप से हरियाणवी को इस स्तर तक लाने का श्रेय कहीं ना कहीं हरियाणवी गीत संगीत को ही जाता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि हरियाणवी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। चलिए अब अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, लेकिन हरियाणवी अभी तक एक बोली ही है, इसे भाषा का दर्जा नहीं मिला है। बोली को सिर्फ बोला जाता है, उसे लिखा नहीं जाता। इसकी ना तो कोई लिपि होती है, ना इसका कोई साहित्य होता है, लेकिन हरियाणवी की तो लिपि भी है और साहित्य भी। अब तक हरियाणवी में 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। पर्यायवाची शब्दों की इतनी विविधता और कहीं नहीं है जितनी हरियाणवी में है। मसलन हिंदी के एक लाठी शब्द को कहने के लिए भी हमारे हरियाणवी शब्दों की एक लंबी लाइन है, जैसे लठ, घेसला, डंडा इत्यादि। ये शब्द वस्तुओं की स्थिति ही नहीं, उनके आकार प्रकार का भी संकेत देती हैं। 8 बोलियों से आबाद हरियाणवी की जान ठेठ शब्दों की समृद्ध रचना है। इसमें अपनी बात कहने की भी पूरी आजादी होती है। यही खूबी है जो इसे अन्य भाषाओं से अलग बनाती है। क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद ही हमारी बोली को उसकी सही जगह मिल पाएगी। कुछ शिक्षाविदों का यह भी मानना है कि हरियाणवी को प्राथमिक भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक भाषा में अगर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी तो वे अपने भाषा की गहराई और शब्दों के अर्थ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सर रोक दो, नहीं आगे है।